कैसे हैं आप लोग? यही आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। विषम परिस्थिति में कोरोना नामक महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है और इस बीमारी से सबसे बचने का उपाय, सबसे अच्छा बचने का उपाय यही है कि हम अपने घरों में, बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर हम घर से बाहर निकलें, लोगों से अगर बात भी कर रहे हैं तो दूरी बना करके बात करें। इस बचाव ही सुरक्षा है, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया है कि कम से कम एक दूसरे से लोग मिल सके और इस बीमारी से बचा जा सके। ये ऐसा वायरस है कि बहुत ही तीव्रता के साथ, बहुत तेजी के साथ ये एक दूसरे तक पहुंच जाता है, छींकने, खांसने, हाथ मिलाने से, छूने से। तो बेहतर यही है घर पर रहें, सुरक्षित रहें। दिन में कई बार अपने हाथों को साबुन से धुलें, सैनिटाइजर से साफ करें और साबुन लगा करके कम से कम 20 सेकंड तक आपको अपने हाथों को साफ करना चाहिए और फिर पानी से धोना चाहिए। बाहर की चीज़ों का कम से कम प्रयोग करिए, खाने वाली चीज़ें हैं कम से कम प्रयोग, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव की इस बीमारी से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय। आज हम हिंदी की क्लास आपको पढ़ाएंगे। ऐसी समस्या है कि कई दिन बीत चुके हैं लॉकडाउन के चलते हुए और अभी उम्मीद भी नहीं है कि स्कूल खुलेंगे, तो इसलिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये ऑनलाइन क्लास के जरिए आप अपनी तैयारी करिए, सेल्फ स्टडी पर भी विशेष ध्यान दीजिए, जो भी आपके पास बुके हैं, वीडियो जो भी है आप सुरक्षित रखिए। कभी भी जब भी टाइम मिलता है आप देखिए, पढ़िए। और एक चीज़ और आपको बताना चाह रहे हैं कि अपने जो दोस्त हैं, साथी हैं, यदि उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ग्रुप में जुड़वाने की कोशिश कीजिए। और ये भी बता रहे हैं, कुछ गार्जियंस के फ़ोन आ रहे हैं, कुछ छात्रों के फ़ोन आ रहे हैं कि मोबाइल नहीं है, समस्या है सर जी, मोबाइल नहीं खरीद सकते हैं। बहुत से लोग फ़ोन आए हैं, मानते हैं जब पूरा देश परेशान है तो गार्जियन भी परेशान होंगे। तो इतना ज़रूर बताना चाहेंगे कि अगर आपके साथी सहपाठी के पास अगर मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, नेट नहीं चलाते हैं, तो अपने माध्यम से कभी भी मिले तो उनको ये वीडियो, जो भी ये क्लास की वीडियो डाली जा रही है, उनको आप दिखा दें या टाइम मिले तो उनको भी थोड़ा मौका दीजिए, मोबाइल देखने का दे दीजिए अपना, थोड़ा सा पढ़ लें। और ये भी बता दीजिए कि जब भी स्कूल खुलेगा फिर
पुनः प्रारंभ से ही सिलेबस स्टार्ट किया जाए, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। डबल पीरियड में पढ़ाई होगी, जैसे भी होगा अच्छे से सिलेबस आपका तैयार करवाया जाएगा। तो अगर जिनके पास मोबाइल नहीं है तो उनको भी आप बता दीजिए कि बहुत परेशान ना हो, घर पर जो भी बुके हैं सेल्फ टेस्ट भी करें, और अगर कोई समस्या आ रही है तो फ़ोन से अपने सब्जेक्ट टीचर से फ़ोन करके समस्या का समाधान कर लें। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी। ये जो हिंदी क्लास है आज हम लेने जा रहे हैं, ये कक्षा 9 से 12 तक समस्त यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए होगा, क्योंकि हिंदी का प्रारंभ, जो सिलेबस का प्रारंभ है वो हिंदी साहित्य के इतिहास। हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, उसका काल निर्धारण किया गया है, किस काल में कौन कौन से लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी रही हैं, उनकी विशेषताएं कौन कौन सी रही हैं, तो थोड़ा हम डिटेल में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आप अच्छे से जो भी बता रहे हैं अच्छे से आप तैयार करिए, कॉपी बना लीजिए, नोट भी करते रहिए और समझते रहिए। कॉपी के साथ साथ अधिकतर कोशिश करिए कि अपने दिमाग पर, अपने मानस पटल पर इसको अंकित करें। तो ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास होगा ये कक्षा 9, 10, 11, 12 ये चारों क्लासों के लिए होगा, चारों क्लास के सभी छात्र छात्राएं इसका अध्ययन कर सकेंगे और अच्छे से तैयारी करें। आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी हिंदी साहित्य का इतिहास। कॉपी निकालें, नोटबुक, नोटबुक और पेन ले लीजिए, साथ में नोट भी करते रहेंगे, और अगर कोई समस्या लग रही है तो बताइएगा। कॉपी पेन निकालें, मेन हेडिंग डालें हिंदी साहित्य का इतिहास।